बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाइयों, अल्लाह तुम खुश रखे, शादोबाद रखे। ऐसे बेर गाना आज का ब्लॉग शुरू कर दें। शुरू करने पर छोटी रिक्वेस्ट कर दें, अच्छा फैमिली ब्लॉग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, जो बैल आइकन पर जरूर प्रेस करो कि साड़ी हर वीडियो नोटिफिकेशन मेरे बहन भाइयों तक बार वक्त पहुँचता रहे। आज की वीडियो कुछ उस जाती है, अल्लाह ने फिर नवा दिन नवी रात नवा दिन अल्लाह पाक ने फिर अता किया वा। माशाल्लाह सहरी का टाइम हो चुका वा, तो दूसरा हूँ मैं तहैया दी नमाज़ पढ़ के अल्लाह पाक नूं याद करके तो हूँ मरियम बेटी सहरी बना रही है, तो अरसलान भी उठ पिया वा, उन्हें भी हूँ मुँह धो के चल के हूँ करते हैं सहरी। सहरी करते हैं, रोज़ा रखते हैं, अल्लाह पाक नूं याद करते हैं, तो सब भैन भाइयों वास्ते दुआ करते हैं। मेरे भैन भाई साढ़े लिए दुआ करते रहन, असं अपने भैन भाइयों लिए दुआ करते रहेंगे, क्योंकि एक दूजे की दुआ का इंसान मुहताज आ। आप एक दूजे लिए दुआ करा, अल्लाह पाक हर एक मूँह की कड़ी हुई अल्लाह तला कबूल कर लेंदा वा। तो चल के सहरी करते, सहरी खा के तो फिर उस तो बाद नमाज़ पढ़ के, तो नमाज़ पढ़ के फिर जे दिन में जे अज काम करा इंशाल्लाह फिर मैं अपने भैन भाइयों के नाल जरूर शेयर करती रहूँगी। मेरी वीडियो नाल जुड़े रहना, तो पूरी वाश करनी, तो शुक्रिया मेरे भैन भाइयों का। मैं चलती हूँ चल के, तो सहरी करते देखो जी हूँ मैं जा रही हूँ। मरियम बेटी बना रही है सहरी, क्योंकि उधर है नेरा। ये मैं इदा कैमरा घुमानी हूँ, देखो मरियम बेटी है वो चुल्हे के कोल बैठी है, तो उत्थे सहरी बना रही है हूँ, क्योंकि उत्थे तो लाइट नहीं जाती हैगी सही तरह, तो हम जल्दी बना लेंदी है, बना कर सानू लिया दें, तो इंशाल्लाह फिर नाल कर देना भैन भरावान शेयर कर दें जी। रोटी आ चुकी है, मैं रोटी खानी है, मैं रोटी तो आप सालन लवा के खानी भी नहीं, रोटी तो खाने का अपना ही मज़ा होंगे वा, तो नाले रोटी तो सालन लाया मज़ेदार लगता वा, अच्छी रोटी लगती है। तो हम रोटी आ चुकी है, मेरी बेटी रोटी देगी मैनू, तो हम मैं इतने बैठ के लगी हाँ सहरी कर, सहरी करते हैं, तो फिर जो अगला सीन हो इंशाल्लाह असं अपने भैन भाइयों के नाल जरूर शेयर करा जी। रोज़ा रख के माशाल्लाह नमाज पढ़ के अल्लाह पाक नूं याद करके, तो ना हूँ मैं जा रही हूँ इधर बाहरली साइड नू बस्ती नू। अच्छा जी, मैं गाँव जा रही थी तो मेरे भाई सामने मसाए, तो मसाए जड़े वो सब तो ज़्यादा अजीज होंगे, तो भाई जी पट्ठे फड़ रहे माल वास्ते, तो असी भी इंशाल्लाह हूँ कुरबानी का बकरा लैना लैके, तो फिर असी मैं भी नाल पट्ठे फड़ के जाया करूँ हूँ, क्योंकि जानवर कोई नहीं है घर पट्ठे खाने वाला, तो इंशाल्लाह जरूर रखांगे नाल बकरियां का। मैनू फिर दोबारा शौक आ हूँ लिया वा, बकरियां दोबारा रखने वाला बंदा फिरदा तुरदा रहिंदा वा, नाले अपने पट्ठे जड़े ना वो कट के ले आंदा वा। अगे मैं अपने ब्लॉग बनाउनी हुंदी सी इसे तरह ही, सोहणे मेरे ब्लॉग बन जांदे हुंदे सी पट्ठे कटदे आ, तो इंशाल्लाह जरूर रखांगे। तो हुण मैं जिथे गांव जाना वा उत्थे फिर चलदी हां, तो अपने भैन भाइयों नाल गां इंशाल्लाह लाजमन गां दा शेर जिहड़ा शेयर करदी हां। तो हुण जा रही हां मैं अपने भाई दा पता करन तबीयत दा हाल लैण वी किद्दां तबीयत, तो मैं हुण रोड ते चढ़ चली हां, तुर के पैदल ही जा रही, मैं पैदल के साथ तो हॉस्पिटल लग गई है। अच्छा जी देखो मैं रोड पर जा रही हूँ हॉस्पिटल के नाल नाल, तो चल के हम भाई का पता करके आने। अल्लाह मेरे भैन भाइयों मेरे भाई वास्ते भी दुआ करियो, अल्लाह पाक तंदुरुस्ती देवे सेहत देवे आमीन सुन आमीन। बिल्कुल मैं हॉस्पिटल के नज़दीक पहुँच गई, हॉस्पिटल बच्चा स्कूल जा रही हूँ। अच्छा जी हॉस्पिटल, अच्छा जी हॉस्पिटल में आ गई हूँ, मैं पौड़ियों पर चढ़ के जा रही हूँ क्योंकि उतले पोशन के उत्ते उपर हैगी मर्दा वाली वार्ड, मर्दा वाली वार्ड के बच्चे, तो मैं हम उपर जान रही हूँ। रोजे ना तुर भी नहीं हो रहा, देखो जी। अच्छा जी है मर्दा वाली वार्ड आ, आ गई मैं। अच्छा जी मेरे भैन भाइयों मैं हॉस्पिटल भी होके आ गई हूँ, तो क्योंकि भाई जरा ना भाई मेरा गया हुआ घर नहाने वास्ते, तो फिर हॉस्पिटल में है नहीं सगा, फिर नर्सा पूछा, नर्सा ने कहा भी वो तो गए हुए हैं, तो उन्होंने 2 बजे तक आ जाना वा, तो फिर मैं तो रोज़ा भी रोजे ना मेरी तो बस भी पई सी, मैं फिर आ गई वापस, मैं चलो कोई नहीं भाई ने फिर शाम सुना, तो फिर जाके पता करावे। तो मेरे भैन भाइयों ज़्यादा तो ज़्यादा मेरे भाई वास्ते दुआ करियो, अल्लाह पाक उन्हें तंदुरुस्ती देवे सेहत देवे, जिन्हें बीमार उस वार्ड के हॉस्पिटल में पे अल्लाह ताला सब नूं शिफा देवे। मेरे भैन भाइयों गई हैं तो काफ़ी वड्डी वार्ड जिहड़ी ना
ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੀ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਵਾਲ ਮਰਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵਾ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਭ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ ਸੁਮਾ ਆਮੀਨ। ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਓ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਾਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਯੂਟਿਊਬ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਭ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਆਮੀਨ ਸੁਮਾ ਆਮੀਨ। ਅਤੇ ਜਿਸਰਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਆ ਕਰੀਓ, ਜਿੰਨੀ ਉੱਥੇ ਵਾਮ ਪਈ ਆ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੀਓ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਕੱਢੀ ਅਦਲਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਜੇਕਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਈਓ, ਕਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲਾ ਤਲਾ ਉਹਦਾ ਵਸੀਲਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਵਾਲਾ ਤਲੇ ਖੁਦ ਸਾਲੀ ਔਲਾਦ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਵਾਲਾ ਤਲਾ ਕੰਮ ਲਈ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਵੇ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ ਸੁਮਾ ਆਮੀਨ। ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਯੂਟਿਊਬ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੇਘਰ ਵਾਲਾ ਤਲਾ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਛੱਤ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।